हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मिस जूली, जो कि अगस्त स्ट्रिंडबर्ग की लिखी हुई बहुत ही फेमस ड्रामा है, उसकी समरी लेकर आया हूँ। ये जो ड्रामा है उन्होंने 1888 में लिखा था, बहुत ही फेमस नेचुरलिस्टिक प्ले है, जो कि स्वीडन के एक काउंट की इस्टेट पर स्टार्ट होता है। मिस जूली एक यंग वीमेन है, जो कि एक वैलेट, वैलेट मतलब सर्वेंट, एक सर्वेंट जीन से अट्रैक्ट हो जाती है। तो इस प्ले का जो मेन थीम है, इस प्ले की मेन थीम है डार्विनिज्म, जो उस समय नेचुरलिस्टिक पीरियड चल रहा था। क्योंकि ये जो प्ले है ये एमिल जोला की थ्योरी ऑफ नेचुरलिज्म पर बेस्ड है, और जो जो कुछ एमिल जोला ने कहा था कि प्ले की सेटिंग सिंपल होनी चाहिए, प्ले के अंदर बहुत ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, वो सब हमें देखने को मिलता है। डार्विनिज्म जो है, इसमें हम क्या देखते हैं कि जूली जो है वो एक अरिस्टोक्रेटिक लेडी है, एक शाही परिवार से है, क्योंकि इसके फादर काउंट होते हैं, और वो एक फास्ट क्लाइंबिंग और रूथलेस जीन से लड़ाई करती है। इस प्ले के अंदर हमें क्लास वारफेयर और फैमिली ट्रामा की भी थीम दिखाई देती है। करेक्टर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं और मल्टी लेयर्ड हैं। तो इसमें मेनली हमारे पास तीन ही करेक्टर हैं, मिस जूली, जीन और क्रिस्टीन। इनके फादर जो हैं काउंट, वो प्ले में कहीं दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ उनके हमें ग्लव्स वगैरह दिखते हैं, ग्लव्स और शूज़ दिखते हैं, जो उनकी पावर को शो करते हैं। नहीं होते हुए भी उनकी पावर शो होती है। जब मिस जूली स्टार्ट होती है तो जीन जो है वो घर के किचन की तरफ जा रहा है। जीन एक वॉलेट है, वॉलेट का मतलब सिंपल मतलब सर्वेंट है, पर्सनल सर्वेंट है। जीन अपने अपनी फियांसी, जीन की फियांसी है क्रिस्टीन, उससे मिलता है और उससे मिस जूली के बिहेवियर की बात करता है। वो सोचता है कि मिस जूली थोड़ी सी पागल है, क्योंकि वो बांड डांस के लिए आई थी, उन्होंने गेम कीपर के साथ डांस किया और फिर उन्होंने मेरे साथ डांस करने की कोशिश की। हालांकि जीन जो है वो तो उसके फादर के यहाँ पर एक सर्वेंट ही है। क्रिस्टीन मिस जूली के बैकग्राउंड की बात करती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि मिस जूली की पहले एक इंगेजमेंट हुई थी जो टूट गई थी, तो इसलिए वो पीछे ही रहती है और वो सर्वेंट्स वगैरह के साथ थोड़ा घुलने मिलने की कोशिश करती है, ना कि वो अपने फादर के साथ मिडसमर की इवनिंग पर सेलिब्रेशन में जाती है। वो इस इंसिडेंस की बात करते हैं कि किस तरह मिस जूली का इंगेजमेंट टूट गया, क्योंकि अब हमें पता चलता है कि मिस जूली की अंदर क्या प्रॉब्लम क्या है। मिस जूली एक बहुत डोमिनेटिंग लेडीज है। इनका जो फियांसे था, उसने मिस जूली के साथ वो कहीं जा रहा था, मिस जूली के हाथ में एक विप, एक चाबुक था, तो उसने फियांसे को बोला कि जब मैं चाबुक मारूंगी तुम उसके ऊपर से कूदोगे। जैसे हम डॉग को सिखाते हैं कि कुत्ते को सिखाते हैं ना, कुत्ते को कहते हैं भी तुम एक गोले में से कूदना सिखाएंगे, तो सेम उसी टाइप से वो अपने फियांसे को चाहती थी कि मेरा फियांसे ऐसे करे, लेकिन उसके फियांसे ने ऐसा करने से मना कर दिया और उन दोनों की जो इंगेजमेंट थी वो टूट गई। अब जीन जाकर एक वाइन की बोतल निकालता है और वो और क्रिस्टीन थोड़ी देर फ्लर्ट करते हैं। तभी उसे किचन में से बहुत गंदी बदबू आती है, तो वो पूछता है क्रिस्टीन क्या बना रही हो, तो क्रिस्टीन बताती है कि मिस जूली की जो डॉग है जिसका नाम है डायना, मिस जूली की डॉग को गेम कीपर के डॉग जो कि एक मोंगरल है उसने प्रेग्नेंट कर दिया है, इसलिए मैं एक ऐसी ड्रग बना रही हूँ जिस ड्रग से डायना का अबॉर्शन हो जाए। अब ये दोनों जने मिस जूली को फिर आगे डिस्कस करते हैं, तो क्रिस्टीन बताती है कि हम उसी रास्ते में खड़े हैं और हमें दोनों एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं। वो मिस जूली को उसकी माँ से कंपेयर करती है, यानी कि मिस जूली की मदर काउंट की वाइफ से कंपेयर करती है। फिर भी जीन ये कहता है कि मिस जूली सुंदर है, पर वो कहता है कि ये एक उसके माइंड में हमेशा से एक इच्छा होती है कि मेरा खुद का एक होटल हो, तो वो सोचता है कि मैं मिस जूली की हेल्प से अपना एक होटल खोल सकता हूँ। तभी मिस जूली वहाँ आती है और वो क्रिस्टीन से पूछती है कि बताओ क्या ड्रग बन गई है। अब जूली को देखकर जीन जो है वो बदल जाता है और वो बड़ा ही चार्मिंग और पोलाइट हो जाता है।
वो दोनों एक दूसरे को वेलकम करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं। इसके बाद मिस जूली जीन से पूछती है कि क्या तुम डांस करना चाहते हो, डांस करना पसंद करोगे। वो हेजिटेशन करता है क्योंकि उसने क्रिस्टीन से वादा किया था कि मैं तेरे साथ डांस करूँगा, और कहता है कि अगर मैंने मिस जूली के साथ डांस किया तो उससे क्या होगा, कुछ गॉसिप पैदा हो जाएगी। मिस जूली अब अपनी रैंक की बात करती है। वो कहती है क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूँ और इसलिए मेरे साथ बेटर डांसर जाना चाहिए। वो वादा करता है और वो दोनों चले जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो मिस जूली को सपना आता है कि मैं किस तरह एक खंबे पर चढ़ रही थी और मैं वहाँ पे खंबे पे टॉप पर जाकर फंस गई। जो जीन बताता है कि मैं तुम्हारे जो गार्डन के अंदर एक बार फंस गया था, जो तो तुम्हारा गार्डन था, उस गार्डन को उसने बोला है वो गार्डन ऑफ ईडन था और मैंने तुम्हें दूर से देखा था। तो तब से कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है, मैं मन ही मन तुमसे प्यार करता हूँ और वो विश करता हूँ कि काश काश मैं मर जाता, जिंदा रहने बजाय मर जाता, क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ कभी भी रह नहीं सकता। तुम एक महलों की रानी और मैं एक गरीब नौकर हूँ। जीन और मिस जूली जब दोनों सुनते हैं कि कुछ नौकर वहाँ पे मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि वो उनको सुन रहे हैं, उनमें वे दोनों जाकर जीन के कमरे में छुप जाते हैं। हालांकि जीन ये वादा करता है कि मैं मिस जूली का सम्मान करूंगा, पर बाद में हमें पता चल जाता है कि दोनों के बीच में सेक्स होता है। जूली कन्फ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आता आगे क्या करूँ, और जीन उसे कहता है कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि अगर हम दोनों साथ रहे तो हमेशा हमें हमारी रिलेशनशिप में हम सेक्स करेंगे और हम कभी भी पकड़े जा सकते हैं। वो कन्फेस कर रहा है कि कहता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा था जब मैंने बोला कि मैं तुम्हारे साथ रहने की बजाय मर जाऊं। अब गुस्से में आकर मिस जूली बताती है कि मैं किसी और आदमी की गुलाम नहीं बनूंगी। वो कहते हैं कि चलो हम यहाँ से भागकर एक होटल खोल लेंगे, जो कि जीन का प्लान होता है। मिस जूली अपने पापा के यहाँ से पैसे चुराती है, पर जीन तब गुस्सा हो जाता है जब वो कहती है उसके पास में दो ही चीज़ें हैं, एक तो कुत्ता है। अब वो कहती है कि मैं कुत्ते को तो साथ लेकर जाती नहीं क्योंकि कुत्ता डाइना प्रेग्नेंट हो गई है, एक उसके पास छोटा सा पक्षी है, एक छोटा सा बर्ड है। वो कहती है कि फिर वो कहता है कि चलो हम बर्ड को अजनबियों को दे देंगे। तो कहती है मैं बर्ड को मार दूंगी पर किसी अजनबी को नहीं दूंगी। जीन उसका सर काट देती है। जीन और मिस जूली जाने ही वाले होते हैं तभी क्रिस्टीन आती है और वो देखती है वो क्या प्लानिंग कर रही है। मिस जूली कहती है कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ हमारे होटल में, तुम्हें हम हेड कुक बना देंगे। पर क्रिस्टीन गुस्सा हो जाती है और वो कहती मैं नहीं जाती। क्रिस्टीन चर्च की तरफ जा रही होती है, वो मिस जूली को भगवान और उसकी फॉरगिवनेस के बारे में बताकर चली जाती है। वो कहती है कि और फिर वो कहती है कि मैं जाकर सारे जो अस्तबल वाले हैं जो घोड़ों की देखभाल करते हैं उन्हें मैं बताऊंगी कि तुम घोड़ों को अंदर ही रखो ताकि दोनों जने भाग ना सके। तभी उन्हें आवाज़ सुनाई देती है कि काउंट साहब आ गए हैं। काउंट साहब स्टेज पर दिखाई नहीं देते, बस उनका आना ही आता है। तो उन दोनों में जो हिम्मत होती है वो चली जाती है और वो सोचते हैं कि अब हम आगे नहीं जा सकते हैं। मिस जूली को महसूस होता है कि मैंने तो अपना नाम ख़राब कर लिया है। वो जीन से पूछती है कि क्या तेरे पास कोई रास्ता है, और वो जीन जो है मिस जूली को एक रेजर दे देता है। तो इस तरह जो प्ले है उसमें मिस जूली दरवाजे के बाहर जाती है, हम मान सकते हैं कि शायद वो सुसाइड करती है। जो हमारे प्लेराइट हैं अगस्त साहब भी बहुत ही नोटेड नेचुरल प्लेराइट थे, नॉवलिस्ट थे, और वो उन्होंने जो कुछ भी लिखा ये ट्रेजडी है, ये इमोशनली कॉम्प्लेक्स ट्रेजडी है। सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम। May God bless you. Thank you very much. Have a good day.